नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास खबरों से। नागरिकता संशोधन कानून का देश के अलग अलग इलाकों में विरोध जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि CAA के खिलाफ विपक्ष भ्रम फैला रहा है और देश को तोड़ने का काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर हमारी पार्टी ने जन जागरण अभियान करने का फैसला किया है। अमित शाह ने विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया था तो इनका मानवाधिकार कहां गया था। उन्होंने कहा कि जिसको विरोध करना है कर ले, लेकिन CAA वापस नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों से प्रताड़ित लोगों को उनके जीवन का नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया है। दिल्ली में JDU ने BJP के साथ गठबंधन किया है। पार्टी प्रवक्ता पवन वर्मा ने इस गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार से सवाल किया है कि वह विचारधारा को लेकर पार्टी का रुख साफ करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस डबल स्टैंडर्ड की वजह से ही पार्टी के कई विधायक साथ छोड़ रहे हैं। पार्टी में ही कुछ ऐसे विचार हैं जो कि नीतीश कुमार के साथ नहीं मेल खा रहे हैं और ऐसे मुद्दों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में BJP के साथ जाने के खिलाफ पवन वर्मा ने नीतीश कुमार को ट्वीट कर लिखा कि मैंने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उनसे दिल्ली में BJP के साथ किए गए गठबंधन के बारे में पूछा है। पवन वर्मा ने लिखा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बिहार से बाहर पार्टी ने BJP के साथ इस तरह का गठबंधन किया है। मैं इस फैसले से काफी आहत हुआ हूं और आपसे विचारधारा को लेकर सफाई मांगना चाहता हूं। राजधानी की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नई दिल्ली पर लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार BJP और कांग्रेस ने CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। BJP ने जहां इस सीट से सुनील यादव को उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने रोमेश सबरवाल को टिकट दिया है। आपने BJP की लिस्ट पर तंज भी कसा है और कहा कि भगवा दल ने पहले ही समर्पण कर दिया है। दिल्ली BJP के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि बीते दिनों जो DTC के दफ्तर में आग लगी थी वह कागजात जलाने के लिए लगाई गई थी। BJP प्रवक्ता ने कहा कि BJP इस बार 50 से अधिक सीटें जीतेगी, इस वजह से अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। इसी वजह से चुनाव से 15 दिन पहले DTC के दफ्तर में आग लगी और कागजातों को जलाया गया। गुजरात के सूरत में आज रघुवीर टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। मौके पर 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। आग इतनी भयंकर थी कि सारोली इलाके में आग ने पूरी 10 मंजिला कपड़ा मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसी मार्केट की 9वीं मंजिल पर आग लगी थी। दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों ने कारतूसों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला को दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा गया। महिला के कब्जे से 315 बोर के 2 कारतूस मिले हैं। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने दी। साई जन्मस्थान विवाद पर कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिरडी विवाद को लेकर एक बैठक बुलाई थी जिसमें शिरडी और पाथरी ग्राम सभा साई बाबा मंदिर ट्रस्ट के CEO शामिल हुए। इस दौरान CM ने उन्हें आश्वासन दिया कि साई बाबा के जन्म स्थान को लेकर कोई भी विवाद नहीं होगा। शिरडी धर्मस्थान अब संतुष्ट है क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगे मान ली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त के अनुमान को काफी घटा दिया है। IMF ने कहा कि वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत के GDP में बढ़त दर महज 4.8% रहेगी। IMF ने कहा कि भारत और इसके जैसे अन्य उभरते देशों में सुस्ती की वजह दुनिया के ग्रोथ अनुमान को उसे घटाना पड़ा है। हालांकि IMF ने यह भी उम्मीद जताई है कि अमेरिका चीन के बीच व्यापारिक डील से जल्द ही दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में सुधार होगा। IMF ने यह भी कहा है कि वर्ष 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त 5.8% और आगे 2021 में और सुधर कर 6.5% हो सकती है। बिग बॉस फिनाले से पहले आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच हाई वोल्टेज झगड़ा देखने को मिल रहा है। बीते एपिसोड में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। सिद्धार्थ आसिम से इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्होंने बिग बॉस के शो से निकलने की बात तक कह डाली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।